कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यूनियनों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं भारत बंद को लेकर किसानों की क्या कुछ तैयारी है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ललित कुमार ने। कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान 106 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करे। उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किसानों द्वारा संबोधन किया जा रहा है, किसानों से संवाद किया जा रहा है और किसान जो रणनीति है उसको बताया जा रहा है। उसी को लेकर किसानों ने अब लंबी रणनीति बनाई है। अब भारत बंद किया जाएगा। भारत बंद के साथ साथ जो होलिका दहन है उसमें जो तीन कृषि कानून की प्रतियां भी जलाई जाएंगी और सरकार को चेताया जाएगा कि सरकार इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करे। लेकिन सरकार केवल संशोधन की बात कह रही है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन तीन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, जब तक हम इसी प्रकार से डटे रहेंगे। उसी को लेकर हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है और क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब भारत बंद किया जाएगा, क्या क्या रणनीति है विभागीय, किस प्रकार से आंदोलन को तेज किया जाएगा। आंदोलन तो देखो जब से शुरू हुआ है तब से तेज है, डे बाई डे हो रहा है। इस आंदोलन के दौरान हमने बहुत सारी डिफरेंट कॉल्स दी है, हमने चक्का भी जाम किया है, रेल का भी जाम किया है और अब इसका जो अगला पड़ा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है कि 26 मार्च को सारा भारत पूरी तरह से बंद किया जाएगा। हर तरह का कारोबार भी बंद होगा, हर तरह की जड़ी जो रोड आवाजाही इंक्लूडिंग रेलवे उसका भी जाम किया जाएगा, एक्सेप्ट जो सेंशल कोई सर्विसेज है उसको सिर्फ छोड़ दिया जाएगा। बोलते हैं कि इसका जो दायरा है वो बहुत विशाल हो गया है, जहां दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर भी किसान पूरी तरह से मुस्तैदी से डटे हुए हैं और उत्तरी भारत में स्पेशली और कुछ हद तक जो हमारा साउथ भारत है उसमें बड़ी बड़ी किसान रैलियाँ हो रही हैं जिसमें लाखों हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप वेस्ट बंगाल, जो बीजेपी के लिए और जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल को जीतना चाहते हैं, हम उनको सब कुछ खाना चाहते हैं, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी दुश्मन जमात है किसानी की जमीन से बेदखल करना चाहती है, हम उसको वेस्ट बंगाल में भी घेरने के लिए संयुक्त मोर्चे की जो लीडरशिप है वो आजकल बंगाल के दौरे पे ऊपर है। आंदोलन कोई ना तो कमजोर होने वाला है ना ये समाप्त होने वाला है। जैसे पहले डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अपना शेड्स पे ये आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में ऐसे कंटिन्यू चलेगा और बढ़ता जाएगा, मजबूत होगा। अब गर्मी भी आ रही है, गेहूं की कटाई आएगी, सरसों की कटाई आएगी, उसको लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि किसान लगातार यहां पर 106 दिन से डटा हुआ है, गर्मी है उनका, किस प्रकार। नहीं, आपकी बात ठीक है, ये हमारे जो दुश्मन है ना वो भी ये समझते हैं कि जैसे अब गर्मी आ गई है शायद इसकी वजह से लोग वापस चले जाएं, फिर इनकी जो कटाई का सीजन आ गया उसकी वजह से चले जाएं। सभी गाँव में हमने इस तरह की प्रबंध कर दिया है, गाँव का आधा हिस्सा जहाँ पे आएगा आधा हिस्सा सारे गाँव की जो कटाई का और जो गेहूं निकालने का जो काम करेगा एक दूसरे का वो साथ देगा। ये सर्दी भी जानते हैं, ये गर्मी भी जानते हैं, जब ये खेतों में काम करते हैं उस समय कौन सा ये वाटर प्रूफ होते हैं, ये सर्दी में भी पानी लगाते हैं, गर्मी में भी अपना झोना लगाने का काम करते हैं, गेहूं काटने का काम करते हैं, ये गर्मी से डरने वाले नहीं है। ये ठीक है, हम उसका प्रबंध कर रहे हैं, इस तरह के शेडों का हम निर्माण कर रहे हैं जहां पे गर्मी का असर कम हो, पंखे लगाने का काम भी चल रहा है, समर्सिबल जो मोटर पानी के लिए वो भी लगाने का हम काम कर रहे हैं, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। ये हमारे साथ किसान नेता थे, इनका कहना है कि 26 मार्च को हम कृषि कानून के विरोध में देश बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा और सरकार को चेताया जाएगा कि सरकार जब तीन कृषि कानूनों को रद्द करे, नहीं करेगी तो इसी प्रकार से दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहेंगे। खबर फास्ट के लिए टीकरी बॉर्डर से ललित कुमार। बुलेटिन में यहां पर रुकते, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।